हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन नूतन दुबे न्यू एरा मॉम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक पराठा। मैं ली हूँ 1.5 कप गेहूं के आटा, आप मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून चिल्ली फ्लेक्स, टेस्ट अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट, 1/2 स्पून शुगर। हमने ये कट करके रखे हैं धनिया पत्ता, पुदीना का पत्ता और अजवाइन। आपके पास जो भी चीज का पत्ता होगा उसको आप। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून देसी घी, आप बटर भी डाल सकते। इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर। आप अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो किसी भी सब्जी का कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के आप इसमें डाल सकते। 1.5 कप आटा लिए हैं तो इसमें हमको 1.5 कप पानी भी लगेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करें। इसको हम मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ये रिबन की तरह गिर रहा है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने दें। आपके पास टाइम है तो रेस्ट करने दीजिए, नहीं टाइम है तो आप घोल के फटाफट भी बना सकते। हम डाले हैं थोड़े से देसी घी, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं या बटर भी डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, 1/4 कप ओनियन बारीक कटी। इसमें हम डालेंगे 1/4 स्वीट कॉर्न। इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट। डालेंगे बारीक कटी हुई पुदीने के पत्ते। हमने फ्लेम बंद करके पुदीने के पत्ते डाले हैं और इसको हम मिक्स करके थोड़ी सी ठंड। 1/4 कप दही को मिक्सी के जार में डाल के हमने मिक्स कर लिया। हमने जो ये तड़के तैयार किए हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर हम इसमें गरम डालते तो ये फट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम मिक्स करेंगे 1 पिंच जीरा पाउडर। इस रायते के साथ पराठा बहुत ही टेस्टी लगे। हमने तवा रखे हैं, इस पर हम 1 ड्रॉप घी डालेंगे और इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब इस पे जो आटे का घोल हम डाले हैं वो डाल देंगे। इसको हमको चम्मच से नहीं चलाना है, इसको हम ऐसे ही तवा हिला करके और इसको हम राउंड शेप दे देंगे। पतला नहीं करना है, थोड़ा ठीक ही रखना है। इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से पक गई है, थोड़ा भी आटा नहीं दिख रहा है ऊपर से। इसमें हम ऊपर से 1 स्पून देसी घी डाल देंगे, आप बटर रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। हम अच्छे से पलट दिए हैं, देखिए कितनी अच्छी से ब्राउन हो चुकी है एक साइड से। ऐसे अलट पलट के हम पका लिए हैं, ये फूल भी गई है देखिए। अच्छे से निकाल लेंगे। फिर हम कोई घी नहीं डालेंगे और थोड़ा सा तवा को क्लीन कर। दूसरी बार जब हम डाले तो तावा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से हिला के और राउंड शेप दे देंगे। देखिए ये पराठे कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए फूले फूले पराठे बनके तैयार हैं, कितना अच्छा से ये फूल जाता है। देखिए ये पराठा कितना सॉफ्ट। हम बना करके टिफिन में भी ले जा सकते। आप लोग बना के खा के कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, मैं अपनी अनुभव आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी।